कमेटी है, जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट्स है, डिफरेंट ग्रुप्स के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के ये सारी जो और भी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये सभी साथी जब एकता होगी, इत्तेफाक होगी, तो फिर हम गवर्नमेंट के साथ टक्कर ले सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ अपनी जो जेन्युइन डिमांड के मिनी बस वर्कर्स यूनियन वालों ने ट्रांसपोर्ट की कोई भी लड़ाई हो, उस लड़ाई में हमेशा ही आप लोगों ने साथ दिया है। मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आज भी जो हमारे तीन लीडर हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं। और अभी मैं हारा, अब आप इनको जो प्रक्रिया है, यार मोबाइल वाले आगे वाले थोड़ा पीछे आ जाना भाई। एक मिनट मुझे भी थोड़ा सा हमने निरंजन सिंह जी को चेयरमैन, दर्शन महाराज जी को वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट जो विजय सिंह चिब है हमारे, इनको यहाँ घोषित किया है। यूनानी मसली सभी डिफरेंट रूट्स के जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्योंकि जो हम इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन में आपस में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो इसलिए हमने मिल के ये सिलेक्शन की है, ताकि जो ये एकजुट होके एकता के साथ जितनी भी हमारी मुश्किल्स हैं ट्रांसपोर्टर्स की, चाहे वो वर्कर्स यूनियन मिनी बस है, बड़ी बस है या 2x3 की बस है, इन सब की, ऑटो रिक्शाज की हैं, टैक्सीज की हैं, तो हम मिल के सभी इस लड़ाई में लड़ेंगे और गवर्नमेंट से जो हमारी डिमांड्स हैं वो मनवाएंगे। काफ़ी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बड़े देर से चल रही हैं, जैसे कि मिनी बसों के लिए यहाँ सिटी में कोई स्टैंड नहीं है, यहाँ पर उनको रोकने की जगह नहीं है, मिनी बस हमेशा सड़क पर घूमती रहती है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो भी इसमें परेशान होता है और ट्रांसपोर्टर्स को भी वो परेशान करता है। इसलिए कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो बड़ी जेन्युइन हैं, गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हम इनके लिए कोई ऐसी प्लेस बनाएं जहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हो सकें, रुक सकें और ये अपना जो बिजनेस है वो स्मूथली और इज्जत के साथ जो है वो अपना काम कर सकें। इसलिए आज ये जो हमने फैसला लिया है, ये यूनानी मसली इनको इनकी सिलेक्शन की है, ये इलेक्शन हमने नहीं की, सिलेक्शन की है और सभी की मर्जी के साथ जितने भी 20-21 डिफरेंट रूट्स के प्रेसिडेंट हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और सबके सामने एक जो डिसीजन लिया गया है, सब इसका स्वागत करते हैं और मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ।